तो जय हिंद साथी, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की सारा डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा। क्या क्या इसमें बताऊंगा, जो आपकी सारे प्रोसेस होते हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी, आपकी एग्ज़ाम कब होगी, उसके बाद फिर आपके कितने गुना आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सेकंड आप लोग को मैं मेडिकल में बुलाएँ, कितने कैंडिडेट्स को मेडिकल में बुलाएंगे और कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन होने वाली है 787 वैकेंसी में। तो पिछले साल की जो आपकी सिलेक्शन हुई थी 2019 वाले वैकेंसी से 914 वैकेंसी थे, उसकी नोटिफिकेशन और इस वाले नोटिफिकेशन दोनों का डिफरेंस मैं बताऊँगा, दोनों का अंतर आप लोग को मैं सारा बताऊँगा। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आप लोग को एक सीख मिलेगी, एक जो कि सटीक इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलेगी। और बाकी मेरे चेहरा देखकर सब समझ ही रहे होंगे कि वीडियोस क्यों मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा था। देख रहे हो कि काफ़ी बिजी चल रहा था शेड्यूल, बहुत ऐसे ही कि आप लोग को वीडियो बिल्कुल मैं ला ही नहीं रहा था सप्ताह में। तो फिर अभी मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड। और बाकी आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूँ कि कोई यूट्यूबर वाला अगर आपको बोलता है कि मैं जो भी बोलता है कि मैं दावा करता हूँ कि आपकी CISF ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम इस डेट में होने वाली है, अगले महीने में होने वाली है, आपके CISF की ऑफिशियली वेबसाइट को खोल लेगा वो और उस पर लेक्चर चार से पाँच मिनट बकवास करके चला जाएगा। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। हमें व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है और ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट मतलब जो भी दे रही उससे मेरा काम हो रहा। उसके बाद मैं आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ, मैं क्यों आप लोगों को बता दूँ कि आपकी एग्ज़ाम जो भी अगस्त में हो जाएगी, सितंबर में। अभी मैं एग्ज़ाम की डेट को लेकर आपको बताऊं तो 1% किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई अगर दावा करता है कि इस महीने एग्ज़ाम होगी तो बिल्कुल उसकी बातों में ना पड़े। मैं आपको बताता हूं कि एग्ज़ाम की किसी को अभी खबर नहीं है, कोई भी डेट नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आप लोग को पिछले साल जिन भाई का सिलेक्शन हुआ था, पिछले साल कितने वैकेंसी थे, कितने कैंडिडेट्स को रिजल्ट आए और कितनी कटअप क्या क्या गई, सारा मैं बस थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन बना के रखे और वीडियो को पूरा देखे। क्योंकि आप अगर वीडियो को पूरा देख लोगे तो पिछले साल के मुताबिक आपको इस साल की जो आपकी एक्सपीरियंस वो थोड़ी सी मिल जाएगी और आप लोग को क्या है एग्ज़ाम में टैकल करने का एक अनुभव हो जाएगा। तो बस चलिए मैं आप लोग को ऑफिशियली नोटिस 2019 की वैकेंसी आई थी और आपके 21 में आपके उसके रिज़ल्ट आए थे, 21 में आपके रिज़ल्ट आए थे, 21 में ही आपके एग्ज़ाम हुए थे क्योंकि डिले हो गया था लॉकडाउन की वजह से। और फिर आपकी वैकेंसी तो 914 थी लेकिन रिज़ल्ट उससे कम कैंडिडेट्स का आया है। तो चलिए मैं नोटिस की ओर लेकर चलता हूं। देखिए मैंने 2019 की जो भर्ती आई थी आपके टू बी पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार डेट 21/9/2019 को आई थी। आप समझ सकते हैं यानी कि सितंबर महीना हो गया ना, सितंबर महीना हो गया आपके, सितंबर महीना में आई थी वैकेंसी। और इसकी वीडियो को बस आप गौर से देखें, मैं क्या इस वीडियो में बताने जाने वाला हूं वो पूरा आप देखने के बाद ही आप लोगों को क्लियर होगी। तो चलिए ये सभी डेट मैं आप थोड़ी हटाइए जो भी कभी वैकेंसी 2019 में आई थी। उसके बाद देखिए आपके नीचे मैं लेके चलता हूँ तो ये आपकी टोटल वैकेंसी थे 911, ये आपके टोटल 900 वैकेंसी थे आपके डायरेक्ट की। और उसमें से आपके जो वैकेंसी थे 11, तीन वैकेंसी आप लोग की बैकलॉग वैकेंसी थी यानी उसको आपको ऐड करके आपके हो गए थे 914 वैकेंसी। ये आपकी वैकेंसी की डिटेल्स हो गई जिसमें से आपके कुक की जो भी आपके देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। बाकी सबसे कम वैकेंसी आपकी मेसन की थी और पेंटर की थी और कोबलर की भी वैकेंसी कम ही थी। तो उसके बाद फिर देखिए आपको मैं इस ये आपके 2019 की नोटिफिकेशन हो गई, 2019 की नोटिफिकेशन हो गई। अब चलिए मैं आप लोग को 2022 की जो नोटिफिकेशन है वो दिखाता हूँ। तो ये रहा देखिए आपके 2022 की नोटिफिकेशन, इसमें क्या है कि आपको फीमेल सिटीजन जो कि इंडियन सिटीजन को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ तो इसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं टोटल आपकी वैकेंसी कितना है, आपकी टोटल वैकेंसी हो गए 779, जिसमें से आपकी बैकलॉग वैकेंसी है आपकी बैकलॉग वैकेंसी 8 है, उसको आपको ऐड करने के बाद फिर आपके जो भी आपके टोटल पोस्ट 700 यानी कि ये जो ऐड किया गया पोस्ट है इसको ऐड करके ही आपके 787 वैकेंसी होती है बैकलॉग को ऐड करके। तो ये बैकलॉग वैकेंसी की। उसके बाद मैं आपके पुराने वैकेंसी की ओर फिर लेके चलता हूँ।
तो देखिए ये आपकी 914 वैकेंसी थे, इसमें से आपके रिटर्न एग्जाम, आपके इसके रिटर्न एग्जाम आपके चार पांच पार्ट में हुए थे, 20-20 करके क्वेश्चन आए थे, 20 आपके मैथ थे, 20 आपके हिंदी थे, 20 आपके इंग्लिश में से हिंदी में से कॉमन थे, और जीके जीएस 20 थे, और रीजनिंग के आपके दो पार्ट थे, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो चलिए इसमें से कितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया था, मेडिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाए गए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं नोटिस, आपको रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल टेट्समैन 2019, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कोई यूट्यूबर वाला आपको नहीं बताएगा, बस आपको ऑफिशियली वेबसाइट का पेज खोल के चार पाँच मिनट बकवास कर जाएगा और आपको बस लगेगा कि हाँ। तो मैं इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को थोड़ी सी ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल टेट्समैन 2019, दैट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME इन शेड्यूल फ्रॉम 16/8/2021 एंड एडमिट कार्ड अपेयरिंग इन द सम में एंड डाउनलोड CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट इतना पे 26/27 सम विल बी स्पीड पोस्ट के भी द्वारा भेजा जाएगा, मतलब ये बोल रहा है। इसमें से देखिए आपकी लिस्ट ऑफ, देखिए मैं डायरेक्ट आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो देखिए आपके ये आपके रिजल्ट की लिस्ट है, इतने जो भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है उसको मेडिकल के लिए बुलाया है, मतलब लिखा हुआ कि फाइनल अंतिम नहीं है ये, मतलब आपके मेडिकल के लिए ही इतने जो। तो एक नंबर सीरियल नंबर देखिए, यहाँ आप गौर से देखिएगा वीडियो को, जो एक नंबर में कौन है, मीनू राम, जो भी आपके लक्की पर्सन है राजस्थान के कुक कैंडिडेट से, उनका एक नंबर पर रिजल्ट है। तो मैं लास्ट में आपको लेके चलता हूँ, देख सकते हैं यहाँ 892 कैंडिडेट होलकोंडांग मेल, जो भी आपके स्वीपर मणिपुर से बिलोंग करते हैं, 892 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं, आप इसको देख के आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक रोल नंबर लिखा हुआ है यूआर कैटेगरी पब्लिश इम्प्लॉयड न्यूज़, जो भी आपके उसके यहाँ से वैकेंसी नॉट क्वालिफाइड, इनका रिजल्ट हो गया था लेकिन नॉट क्वालिफाई हुआ। यानी आप देख सकते हैं 892 वैकेंसी, 892 की रिजल्ट आई और आपकी 914 वैकेंसी थी, देख सकते हैं। एक नोटिफिकेशन की ओर मैं और लेके चलता हूँ, क्योंकि ये पूरा लिस्ट मैं आप लोगों को क्यों दिखाऊँ, मैं आपको बस वैकेंसी से रूबरू कराना चाहता था, जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपके सीधा सीधा दिया गया है 892 कैंडिडेट और वैकेंसी कितनी थी 914। एक और नोटिफिकेशन की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए जो भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ था उनका देखिए मेडिकल के लिए सेंटर दिया गया था। यानी देखिए सीरियल नंबर से फिर मैं चलता हूँ एक से, तो उधर तो 892 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ था और मेडिकल की देखिए सबकी डेट दी गई है और कहाँ मेडिकल, ये सारा दिया गया है, टेलीफोन नंबर, उस यूनिट का आपके ईमेल आईडी भी दिया गया है। और आपके देखिए इसमें सारा डिटेल्स है, फादर्स मदर आपके ST आपके मेडिकल डेट ट्रेड सभी है। सीरियल नंबर एक देखिए और लास्ट में आपको लेके चलता हूँ, 64 पेज की है 892, यानी आप समझ सकते हैं इसको, इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके सचिन कुमार ओमवीर सिंह ऐसी कैटेगरी, आप इलेक्ट्रीशियन से उत्तर प्रदेश से, सचिन कुमार ओमवीर सिंह उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन जो कैंडिडेट्स है वो 892 वैकेंसी में आपके लास्ट में नंबर से है। यानी कि उसमें वो वाले PDF जिसमें आपके रिजल्ट की PDF थी उसमें भी 892 कैंडिडेट्स का ही रिजल्ट था, और ये जो मेडिकल के लिए बुलाया गया है, एक गाजियाबाद में इनका मेडिकल था, उनमें भी 892 कैंडिडेट्स की मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो इस बात से ये पता चलती है कि आप लोग की 914 वैकेंसी थी और आपकी रिजल्ट आई 892। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूँ, PDF देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोसीजर जो पिछले वैकेंसी थी उसमें हुई थी। आपको 914 वैकेंसी थी और 892 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, यानी 892 कैंडिडेट्स की रिजल्ट हुई थी। कोई यूट्यूबर वाले, मैं फिर से आपको बताता हूँ, कोई यूट्यूबर वाले आपके बोलते हैं कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना रिजल्ट देती है, ये बिल्कुल गलत है। आप नोटिफिकेशन अगर समझदार हो, सच्चा हो, अगर समझते हो, पढ़े लिखे हो, तो आप नोटिफिकेशन को देखकर समझ सकते हो कि क्या क्या पिछले वैकेंसी में हुई थी। तो इस बार भी मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो आप लोग की आएगी सिलेबस की ओर लेकर, कि जो पिछले साल की जो सिलेबस थी वही सिलेबस तो इस बार भी नहीं है, कि इस बार 25-25 का है, पिछले बार आपके 20-20 करके थे, जिसमें आपके वर्बल रीजनिंग 40 मतलब 20 और नॉन वर्बल रीजनिंग 20, यानी कि 40 आपके रीजनिंग हो गए थे और आपके मैथ 20, 60 आपके हिंदी 20, 80 और आपके जीके जीएस 20।
भी जिसमें एक दो क्वेश्चन करंट का आपके 100 क्वेश्चन और इंग्लिश भी थे, यानी 120 जिसमें से इंग्लिश और हिंदी आपके कॉमन थे। बाकी अगर आपको कोई अगर यूट्यूबर बोलती है कि 5 गुना 6 गुना उसकी फेरा में मत फंसो, और कोई यूट्यूबर आपको बोलती है कि आपकी एग्ज़ाम इस महीने में हो जाएगी बिल्कुल वो गलत बोलती है। ये कहीं से इन्फॉर्मेशन किसी को भी पता नहीं कि इस महीने में एग्ज़ाम होने वाली है, लेकिन हाँ आप लोग को मैं ये एडवाइस देता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन को जारी रखें। कोई 4 गुना कोई 5 गुना कोई 10 गुना कुछ नहीं होने वाला है। आपको 787 वैकेंसी है तो 787 में हो सकता है कि 780 या 770 का ही रिजल्ट आए, और नहीं तो फिर 787 वैकेंसी है तो 800 का ही रिजल्ट आए, 850 का। इससे ज़्यादा 1% चांसेज नहीं कि आपकी 1000 रिजल्ट आएगी, 1200 रिजल्ट आएगी, 1500 रिजल्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। CISF उतना ही रिजल्ट देती है जितना वैकेंसी होती है, और कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर इंडिया में आपके 787 वैकेंसी है, 787 वैकेंसी में एक मैक्सिमम एक कटअप लगाती है कैटेगरीज वाइज और स्टेट वाइज तो लगती है, एक कटअप लगाती है कि मान लिया जाए 75 कटअप आपकी जनरल की गई है, तो 75 पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं उस कैंडिडेट्स को, तो उतने में वैकेंसी से चाहे 5 कैंडिडेट्स अगर कम आ जाए वो भले उनके लिए वो अच्छा है, अगर वो एक नंबर कम करते हैं 75 से 74 करते हैं तो वैकेंसी से सीधे 200 लड़के आगे चल गए, तो ऐसा उनको मंजूर नहीं है 200 लड़के को आगे फालतू बुलाना। इसलिए एक मार्क्स ज़्यादा बढ़ा के वैकेंसी से कम ही लड़के को रिजल्ट दे देना, ऐसा सिस्टम है। तो आप समझ सकते हैं वीडियो कैसा आप लोग को लगा ये इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं आप लोग को सिलेबस को और लेके आऊँगा वीडियो, फालतू फेरा में मत फंसो। यूट्यूबर वाले बहुत है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, सप्ताह में एक ही वीडियो, 10 दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फैक्ट इन्फॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि 19 की नोटिफिकेशन को मैंने आपके सामने पेश किया, बाकी कोई यूट्यूबर नहीं। मैं सच्चाई आप लोगों को बताऊं तो बस CISF की ऑफिशियल वेबसाइट खोल देगा और सड़ा बस जय हिंद मार के खड़ा होकर बकवास कर जाएगा। 4 से 5 मिनट आपको टाइम ले लेगा और कुछ वो बताने वाला है नहीं, बस खाली व्यूज़ ले लेगा। मेरे व्यूज़ लेने का ये पर्पज़ नहीं है, मैं ठीक है मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन रीज़न क्या है कि मैं आप लोग को फैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बस यही आप लोग को मैं बताऊँ। आप लोग वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स कीजिए, कॉमेंट्स का मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगा, आपके कॉमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।